डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल और मिस मारिया डीडीआर एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी शामिल कहती है। आपको ये मैं बताती चलूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम आपको एक ड्रामा दिखाएंगे जो कि IRC और UN विमेन के साथ फिनिक्स फाउंडेशन की अपनी ही जो टीम है उसने इसमें प्ले किया है वो आपको दिखाएंगे। और दूसरा हमारा जो हिस्सा है उसमें हम आपको अपने प्रोजेक्ट की ओरिएंटेशन और जो मंशियात के खिलाफ आर्मी दी है उसके बारे में हमारे जो मेहमान हैं गिरामी हैं वो अपनी राय का इजहार करेंगे और आज के डी टी एम में आपको बताया जाएगा। हाँ।
एड मर्ज नहीं एक मौत है लोगों, ये मर्ज एड नहीं, ये मर्ज एड नहीं फैलता है मिलने से। डॉक्टर साहब, ये मर्ज एड नहीं फैलता है मिलने से, एक ही कमरे में रहने से उठने बैठने से। अब मैं सलमान शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, वो डायरेक्टर तशरीफ लाएंगे। बीमारी या बुराई जो हमारे माशरे में है उसकी अहमियत से सब आगाह हैं, और तकरीबन सब लोग इससे भी आगाह हैं कि ये लोग जो नशा करते हैं फिर अपने रवैयों की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं, और वही अमराज अपनी फैमिली को मुंतकिल करते हैं, या अपने हाई रिस्क बिहेवियर की वजह से सेक्स के ज़रिए या और तरीक़ों से माशरे में बीमारी को मुंतकिल करते हैं, और जिसमें सर फहरिस्त एड्स की बीमारी भी है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक एक एड्स के प्रोग्राम से है तो उसी को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। नशा करने वाले हजरात हैं सिरिंज के ज़रिए, उनमें जो एच आई वी वायरस है वो तकरीबन 20% से भी ज़्यादा मौजूद है। तो आप सब लोग, बहुत से चेहरे मेरे सामने हैं, ख़ासतौर पर नूरुज़्ज़मान साहब, कि आप मुख्तलिफ एन जी ओज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए आप सब लोग इस जिहाद में शामिल हैं। फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स जनाब शाहिद अफसर साहब से दरख्वास्त करती हूँ, तो ब्रिगेडियर शाहिद अफसर साहब से दरख्वास्त करती हूँ। तो जब मंशियात मुल्क में दाखिल हो जाती हैं तो अब वहाँ से हमारी कार्रवाई शुरू होती है, और उस सिलसिले में हम काम करते हैं। जो यूनिक फाउंडेशन डॉक्टर नूर साहब के अंडर कमांड में, फौजी लैंग्वेज में कहूँगा, काम कर रही है, वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम लोग इनके तहे दिल से मशकूर हैं के जी, कि इन्होंने ना सिर्फ इस काज को ज़िंदा रखा हुआ है बल्कि इसमें नई जान डाली हुई है। और आप जैसे जानते हैं कि एड्स और हेपेटाइटिस और ड्रग यूज़ का काफ़ी मेल जोल है, और वो इस तरीके से है कि जो एड्स के मरीज़ होते हैं अगर वो इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज़ करते हैं और वही सिरिंज दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे आपको बताया गया पहले, तो वो एक दूसरे से लग जाती है, उसी तरीके से हेपेटाइटिस भी इसी तरीके से फैलते हैं। और ना सिर्फ हम मंशियात की लानत को पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो भी ये इस तरह के मरीज़ हैं उनका ना सिर्फ इलाज किया जाएगा बल्कि उनको बेहतर तरीके से देखभाल की जाएगी। मोहम्मद शाही साहब, डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल से दरख्वास्त करती हूँ। तजर्बा जो थोड़ा सा मेरा तजर्बा नारकोटिक्स के साथ है वो ये है कि जो मर्द नशा करते हैं वो ख्वातीन को भी नशे में डालने की कोशिश करते हैं, मगर ये जो एक टर्म मशहूर है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी खातून का हाथ होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो ख्वातीन यहाँ पे आज बैठी हुई हैं वो एक मिशन के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। आप अगर किसी को माशरे में, महल्ले में, ख़ानदान में ये देखती हैं कि कोई आदमी, कोई मर्द अपनी दोस्तों की वजह से इस प्रॉब्लम में या इस आदत में पड़ने की कोशिश कर रहा है तो आपने उसको रोकना है। मेरी तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे गुजारिश है, हमें हेल्प करें, अपने ख़ानदान को हेल्प करें, अपने माशरे को हेल्प करें, अपने बच्चों को हेल्प करें, और इस मौजी मर से इनको बचाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय बर्बादी के। बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त करूँगी ब्रिगेडियर शाहिद अफजल फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स को जो अपनी शील्ड रिसीव करें। मैं दरख्वास्त कर रही हूँ सुमैरा इकबाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनाइटेड नेशन ड्रग्स एंड कंट्रोल के, वो आए और शाहिद साहब को शील्ड पेश करें फीनिक्स फाउंडेशन की तरफ से। साथ ही हम अपनी इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं। आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।